हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज है 12 अप्रैल 2022। बात करेंगे इस वीडियो पे आईटी सेक्टर का दिग्गज कंपनी विप्रो लिमिटेड के ऊपर, जिसके ऊपर मेरा लगातार बहुत पहले से ही रिकमेंडेशन था बाई करने का। इवन आज की डेट पर भी मेरा राय एकदम सेम है। तो बेसिकली आज मार्केट के अंदर भी काफ़ी करेक्शन हो चुका है, जहाँ पे निफ्टी एंड सेंसेक्स दोनों इंडेक्स ऑलमोस्ट 1-1% आज नीचे आके क्लोजिंग दिया। वही निफ्टी आईटी के अंदर अगर हम बात करें, काफ़ी गहरा हमें करेक्शन देखने को मिला। स्पेशली कुछ बड़े कंपनीज जैसे कि विप्रो, इन्फोसिस, दोनों ही शेयर आज काफ़ी ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिला। TCS, HCL के अंदर कोई बहुत बड़ा गिरावट आज देखने को नहीं मिला, बट उससे कंपेयर करें तो विप्रो, इन्फोसिस काफ़ी हद तक नीचे आ चुका है। विप्रो के अंदर अगर हम बात करें, जब कुछ टाइम पहले वॉर स्टार्ट हुआ था, जो लेवल पर इसको सपोर्ट मिला था करीबन 540 से 550 रुपये का लेवल, उस लेवल के कहीं ना कहीं आज की डेट पे आसपास पहुंच चुका है। तो चलिए आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या विप्रो के अंदर और ज़्यादा गिरावट होने का कोई चांस है? अगर होता है तो कहां तक ये शेयर गिर सकता है, यानी कौन सा लेवल पे इसको फाइनल सपोर्ट मिल सकता है। दूसरा पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट एंड कुछ अच्छा न्यूज़ भी आया है, जिसका इम्पैक्ट दोस्तों आपको आगे आने वाले कुछ समय में देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे कवर करेंगे, सबसे पहला जो गुड न्यूज़ आया है, बहुत ही अच्छा न्यूज़, चलिए उसके ऊपर। तो न्यूज़ का हेडलाइन दोस्तों आपके सामने है, विप्रो एक्वायर्स कंसल्टिंग फर्म कन्वर्जेंस फॉर $80 मिलियन। जी हाँ दोस्तों, ये एक US बेस्ड कंपनी है, कंसल्टिंग फर्म कन्वर्जेंस कंपनी का नाम है। $80 मिलियन के थ्रू विप्रो ने ऑलरेडी पूरा का पूरा 100% कंपनी को एक्वायर कर लिया है। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि ये एक्वायर किया है, इसका प्रोसेस, और उसके साथ साथ इसमें विप्रो का क्या बेनिफिट्स मिल सकता है। तो देखिए, विप्रो हैज़ एक्वायर्ड कन्वर्जेंस एक्सीलरेशन सॉल्यूशन, यानी शॉर्ट में CAS, US बेस्ड कंसल्टिंग एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट कंपनी दैट स्पेशलाइज इन ड्राइविंग लार्ज स्केल बिजनेस फॉर Fortune 100 कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर। तो बेसिकली ये सब चीज़ के ऊपर कंपनी काम करता है, और इससे फ़ायदा क्या मिलेगा देखिए विप्रो को। द एक्विजिशन विल हेल्प विप्रो ड्राइव लार्ज स्केल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर क्लाइंट। तो बेसिकली लार्ज स्केल में अपने बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी को यहाँ पे जो क्लाइंट के पास पहुँच सकता है। अकॉर्डिंग टू द प्रेस रिलीज, द डील इज ऑफ फॉर एक्वायरिंग 100% शेयर्स। तो बेसिकली ये छोटा कंपनी था, जिसके अंदर पूरा का पूरा कंपनी को विप्रो ने एक्वायर कर लिया। इन द कंपनी फॉर कैश कंडीशनिंग कंसिडरेशन फॉर ऑफ $50 मिलियन, एंड उसके साथ साथ एंड कंटीजेंट कंसिडरेशन ऑफ $30 मिलियन टू बी पेबल ओवर 3 ईयर्स। तो बेसिकली इस प्रोसेस में दोस्तों विप्रो ने इस कंपनी को एक्वायर किया टोटली। इसके पहले भी हमने देखा था कि 2022 में स्टार्टिंग में ही एक साइबर सिक्योरिटी फर्म को एक्वायर किया था। लास्ट ईयर पे दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े कंपनी को एक्वायर किया था, जिस वजह से हमने देखा था विप्रो का जो बैलेंस शीट आया था क्वार्टरली रिजल्ट, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस, काफ़ी इंप्रूवमेंट भी हमें देखने को मिला था। तो इस एक्वायरेशन को दोस्तों काफ़ी पॉजिटिवली लिया जा रहा है। बट फिलहाल अगर हम बात करें, मार्केट के अंदर अगर गिरावट हुआ या आईटी सेक्टर के अंदर गिरावट हुआ, तो डेफिनेटली दोस्तों आईटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है यहाँ पे विप्रो, तो इसके अंदर भी गिरावट होना नॉर्मल जायज़ है। नेक्स्ट जो न्यूज़ आया दोस्तों यहाँ पे, जो कि ब्रोकरेज कंपनीज के थ्रू यहाँ पे सेल का रेटिंग आया है विप्रो के अंदर, और जो यहाँ पे देखिए टारगेट प्राइस दिया 571, और अच्छी बात यह है कि आज की डेट पे ये लेवल क्रॉस करके काफ़ी नीचे आया एंड क्लोजिंग दिया ऑलमोस्ट 550 रुपये के ऊपर सपोर्ट लगने के साथ साथ। तो अभी हम बात करेंगे दोस्तों जो दूसरा एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि विप्रो कहाँ तक गिर सकता है। साथ साथ दोस्तों आपको तो ये तो मालूम ही होगा कि विप्रो का भी Q4 का रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, मतलब डेट 29 अप्रैल 2022। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे व्यूअर्स को, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। जब भी उस दिन रिजल्ट आउट हो जाएगा, तुरंत मैं आपको वीडियो के थ्रू शेयर कर दूंगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखना, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। कुछ दिन पहले हमने देखा था 5 रुपये का डिविडेंड भी दिया था विप्रो ने अपने शेयर होल्डर को, तो बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पे एग्जिट रिकॉर्डेड भी डिक्लेयर कर दिया था। तो चलिए अभी हम बात करेंगे जो दूसरा इंपॉर्टेंट एंड अच्छा न्यूज़ है, उसके ऊपर हम चलेंगे चार्ट पैटर्न के ऊपर। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है, ध्यान से समझना और ऑब्जर्व करना हर एक छोटी बड़ी पॉइंट को। तो सबसे पहले देखिए, ये जो गिरावट दोस्तों काफ़ी दिन पहले से हमें देखने को मिला। सबसे पहले देखिए, जब वॉर के टाइम पे जब विप्रो का शेयर गिरा था, कहाँ पे सपोर्ट मिला था, इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, 540 के आसपास इसको सपोर्ट मिल गया। उसके बाद लगातार हमें इसके अंदर रिकवरी देखने को मिला ऊपर की तरफ दोस्तों। इसको बार बार रेजिस्टेंस फेस किया लगभग 610 से लेकर 620 रुपये की लेवल, फिर नीचे थोड़ा करेक्शन हुआ, फिर ऊपर जाने की कोशिश उस लेवल पर, यानी 610 के आसपास काफ़ी यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, एंड उसके बाद देखिए लगातार गिरावट। आज की डेट पे ये गिरते गिरते उसका जो पुराना सपोर्ट लेवल था 540 से 550 रुपये का लेवल के आसपास पहुंच चुका है। अब देखिए मज़े की बात,
कि विप्रो का शेयर इतना लास्ट 7-8 दिन या 10 ट्रेडिंग डेज के भीतर गिरावट हुआ है, तो इसका शेयर देखिए गिरते गिरते एकदम वीक जोन पे पहुंच चुका है, जो कि RSI इंडेक्स निकल कर है 34 के आसपास। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ है। क्यों, मैं आपको थोड़ा समझ लीजिए चीज़ों को, कि इतना बड़ा कंपनी दोस्तों हमेशा के लिए गिरावट में नहीं रह सकती। इसके पहले भी मैं आपको बार बार बोला था कि जब मार्केट गिरा था वॉर के टाइम पे, तब देखिए इसी सिचुएशन बना हुआ था। RSI इंडेक्स देखिए ओवरबॉट जोन पे पहुंच गया था, उसके बाद देखिए क्या हुआ, शेयर के अंदर लगातार हमें रिकवरी देखने को मिला, शेयर पहुंच गया सीधा सीधा 540 रुपये से 610 से 20 रुपये के लेवल तक। तो जिस वजह से दोस्तों अभी विप्रो के अंदर कोई बहुत बड़ा गिरावट की चांस नहीं है। अगर गिरता है विप्रो का शेयर तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे जो कि सपोर्ट लेवल है 530 के आसपास, या बोल सकते हो 530 से 40 के रेंज के आसपास ही इसके अंदर गिरने का चांस है। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा या स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आपके पास अगर शेयर है विप्रो लिमिटेड का तो यहाँ पे आप होल्ड कीजिए, क्योंकि कंपनी बहुत ही सेफ एंड बहुत ही स्टेबल कंपनी है, ठीक है। और IT सेक्टर में इंडिया का 3rd लार्जेस्ट कंपनी भी है विप्रो आज की डेट पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो। दूसरी पॉइंट, अगर आपको बाई करना है तो कौन सा लेवल पे बाई करना सुइटेबल रहेगा या ठीक रहेगा, सबसे पहले मैं आपको उसके पहले लेकर चलता हूँ बुलिंजर बैंड को। मैं क्यों आपको बोल रहा था कि इसके अंदर अभी बहुत ज़्यादा गिरावट का उम्मीद नहीं है, देखिए बुलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड का नंबर निकल कर है 570 के आसपास, आज की रेट में शेयर पहुंच गया 570 तो छोड़िए 558 रुपये, और बुलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड उसके काफ़ी नीचे आ चुका है। कोई भी शेयर दोस्तों कितने भी खराब हो जाए कितने भी अच्छे हो जाए, हमेशा के लिए ना ही ओवर वैल्यूड जोन ना ही अंडर वैल्यूड जोन पे या ओवरबॉट या बोल सकते हो कि ओवरसोल्ड जोन पे रह सकते। इसके पहले भी हमने देखा था, देखिए जब वॉर स्टार्ट हुआ था ये ओवरसोल्ड जोन पे पहुंच गया था, उसके बाद देखिए क्या हुआ, धीरे धीरे रिकवर स्टार्ट हुआ ऊपर पहुंच गया। ठीक सेम टू सेम इक्वल सिचुएशन देखिए आज की डेट पर भी क्रिएट हो चुका है विप्रो के शेयर के अंदर, एकदम देखिए जो कि अंडर वैल्यूड जोन पे पहुंच चुका है बुलिंजर बैंड की काफ़ी नीचे। तो अभी इसके अंदर कोई बहुत बड़ा गिरावट का उम्मीद या चांस नहीं है, बहुत ही कम आप बोल सकते हो। तो उस बेसिस पे विप्रो के अंदर जो आपका बाइंग का लेवल रहेगा, यहाँ पे मैं आपको नोट करके देता हूँ, लोअर साइड में दो लेवल मैं आपको बताता हूँ, लोअर साइड में 550 रुपये के आसपास यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, जो कि आज की डेट में भी इस रेंज के आसपास शेयर पहुँच चुका है। तो इसी रेंज के आसपास या 550 से 555 52 जो भी लेवल पे आपको मिल जाए यहाँ पे आप धीरे धीरे बाई कर सकते हो लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू को रख के। दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों विप्रो, जहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस फेस किया था रिकवर होने के साथ साथ इस लेवल, क्योंकि देखिए इस लेवल पे एक टाइम पे विप्रो की शेयर को काफ़ी सपोर्ट भी मिला था। इस लेवल को ऑब्जर्व कीजिए, वो लेवल्स का नंबर निकल कर है करीबन 620। इस लेवल के ऊपर जब शेयर पहुंच जाएगा एंड वहाँ पे सक्सेसफुली स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल होना अलग बात एक बात है और वहाँ पे टच करके आ जाना अलग बात है, ठीक है। टच करना नहीं, नॉर्मली जब पूरा पूरा शेयर स्टेबल हो जाएगा 620 के ऊपर, जैसे कि आज की डेट पे 550 के ऊपर काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहा है विप्रो का शेयर, तो ठीक वैसे ही जब 620 रुपये के ऊपर जब स्टेबल हो जाएगा शेयर तब यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो विप्रो के शेयर में। तो दो लेवल मैं आपको बता दें, नीचे की तरफ एंड ऊपर की तरफ। आज की डेट पे अगर हम बात करें कारोबार तो काफ़ी शानदार देखने को मिला, उसके साथ साथ कल के लिए काफ़ी 833 क्वांटिटी का शेयर ऑलरेडी बाइंग साइड में एम ऑर्डर लग चुका है, और उसके साथ साथ 50% के ऊपर आज डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिला, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रेडिंग हुआ है ऑलमोस्ट 81 लाख शेयर, जहाँ पे डिलीवरी उठाया जा चुका है करीबन 40 से 41 लाख शेयर का क्वांटिटी 50% के ऊपर डिलीवरेबल परसेंटेज, तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम के साथ साथ काफ़ी अच्छा डिलीवरी भी आज देखने को मिला। अब देखते हैं कि कल मार्केट कैसा रिस्पॉन्स करते हैं विप्रो के शेयर को लेके, बहुत जल्दी कंपनी का जो कि अर्निंग भी रिलीज होगा। तो वीडियो का भी माइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।